हेलो दोस्तों, डिजीनेक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जिस तरह से टॉप 10 सीरीज को जीएस क्वेश्चन का सीरीज को बढ़ाते जा रहे हैं, तो आज हम सेट 3 करने वाले हैं। अगर आप इससे पहले सेट 1 या सेट 2 देखे नहीं है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में है जाकर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग जो वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं इसको हम बता दे रहे हैं कि इसमें कंपाइल किया हुआ 7 सब्जेक्ट का, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन 7 सब्जेक्ट का कंपाइल किया हुआ क्वेश्चन, जिसमें 10 क्वेश्चन रहता है। वीडियो का लेंथ कुछ ज़्यादा नहीं, 5 से 6 मिनट का रहता है। तो अगर आप इस चैनल में नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग डाले हैं, तो वीडियो को आगे तक देखते रहिएगा। तो इस सेट को स्टार्ट करने से पहले मैं जो हैशटैग क्वेश्चन ऑफ द डे पिछले वीडियो का था वो मैं बताऊंगा, देन इस क्वेश्चन सेट को स्टार्ट करेंगे। तो पिछले वीडियो का जो हैशटैग क्वेश्चन ऑफ द डे था वो था क्या, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन दिया है ए वॉलीबॉल, बी हॉकी, सी बैडमिंटन, डी बास्केटबॉल। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए ना, सी बैडमिंटन। तो हम पिछले हैशटैग क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता दिए। अब हम इस सेट को सेट 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका सेट 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि वीडियो को आप एक दिन में मिनिमम 2 बार देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो से लाभ मिलने वाला, क्योंकि वीडियो काफ़ी शॉर्ट लेंथ का है। तो इसीलिए 2 बार मिनिमम देखने की कोशिश कीजिएगा एक दिन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन ए दिया है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी दिया लॉर्ड बेलेजली, ऑप्शन सी दिया है मैट कॉफ, ऑप्शन डी दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो ऑप्शन दिया है ए पृथ्वीराज चौहान, बी राजा जयपाल, सी जयचंद, डी फिरदौसी। तो इसमें जो 1001 में जो लड़ाई हुआ था पहले वो राजा जयपाल के साथ हुआ था, जिसमें राजा जयपाल को पराजित किया था। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी राजा जयपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था, मतलब जो संविधान निर्माण हो रहा था तो सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन था संविधान निर्माण के? तो ऑप्शन दिया है एम सी शीतलवाड़, ऑप्शन बी दिया के एम मुंशी, ऑप्शन सी दिया जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी दिया बी एन राव। तो इसका जो सही उत्तर है क्या होना चाहिए, बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी पॉलिटी का ही है। तो क्या 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो इससे पहले संविधान सभा जो 9 दिसंबर 1946 हुआ था उसमें अस्थायी चुना गया था किसको, अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद को। तो इसमें स्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये भूगोल का क्वेश्चन है, पूछ रहा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं? तो इसका ऑप्शन दिया ए ग्रेट चैनल, बी 10 डिग्री चैनल, सी बंगाल की खाड़ी, डी 8 डिग्री चैनल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल से वो दोनों अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का वो भूगोल का ही है, क्या हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो ऑप्शन दिया ए 8200 मीटर, बी 8848 मीटर, सी 8500 मीटर, डी 9000 मीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 8848 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक्स का है, तो इकोनॉमिक्स बोल रहा छिपी बेरोजगारी से संबंध है। ऑप्शन ए दिया बेरोजगार व्यक्ति, ऑप्शन बी दिया अधिकतर व्यक्ति जो रोजगार में है थोड़ा कार्य संपादित कर सकते हैं, ऑप्शन सी दिया महिलाओं के बीच बेरोजगारी,
ऑप्शन डी दिया 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की बेरोजगारी। तो इसका सही उत्तर जो होगा ना, वो अधिकतर व्यक्ति जो रोजगार में है थोड़े कार्य संपादित कर सकते हैं, मतलब छिपी बेरोजगारी जो होता है ना, ऑप्शन बी इसका सही होगा। छिपी बेरोजगारी होता है जिसमें वो व्यक्ति तो व्यक्ति काम में जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको अगर कुछ दिन बैठा देता है तो उसका कुल प्रोडक्शन में किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको हम लोग छिपी बेरोजगारी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स का है, फिजिक्स जिसमें बोल रहा है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। तो इसका ऑप्शन दिया ए लूमेन, बी कैंडिला, सी लक्स, डी नेपियर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बी कैंडिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री का है जिसमें पूछता है फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता है, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता है। ऑप्शन ए दिया है +3, ऑप्शन बी दिया +2, सी ऑप्शन सी दिया -2, ऑप्शन डी दिया -2। तो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला Fe2O3। तो यहाँ पे Fe+3 होता है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ए ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा +3। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, कितना अमीनो अम्ल की ज़रूरत पड़ता है प्रोटीन बनाने के लिए। ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन बी 20 दिया है, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 25। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ए 20 अमीनो एसिड की ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। अगला जो हम लोग का आने वाला है वो हैशटैग क्वेश्चन ऑफ द डे आने वाला है, तो देखते हैं हैशटैग क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। तो क्वेश्चन है शब्द नॉकआउट किस खेल से संबंधित है, शब्द नॉकआउट किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन दिया ए फुटबॉल, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी बॉक्सिंग। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।